IBN 7 हौसला है। तो साधारण जीवन और उच्च व्यवहार, पहले बार की जो ये समाजवाद की परिभाषा है बदलती हुई दिख रही है। कल मुलायम सिंह की 75वीं सालगिरह है और नया समाजवाद यहाँ हम सबके सामने आ रहा है। यानी कल मुलायम सिंह यादव 76 साल के हो जाएंगे और ये वक्त होगा जब वो पूरी शान और शौकत के साथ पूरे जश्न में डूबे होंगे। समाजवादी लोहियावादी नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन जिस तरह से मनाया जा रहा है वो अनोखा है। जन्मदिन के लिए जिस तरह रामपुर को सजा धजा कर यहाँ पे तैयार किया गया और जिस तरह राज्यों के यहाँ पे तमाम बल तैनात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, जिस तरह अंग्रेजी बग्घी पर सवार हुए हैं मुलायम सिंह यादव और जिस तरह से 75 किलो का केक कटेगा, ये फिजूल खर्ची अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और समाजवाद के नारे पर चलने वाली समाजवादी पार्टी के लिए। आखिर क्यों इस जन्मदिन को इस तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रामपुर रातों रात चकचक करने लगा। खुद को लोहिया के लोग कहने वाले समाजवादियों ने नेताजी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया तो रामपुर का कायाकल्प होने लगा। रंग रोगन, लेपन और डेंटिंग पेंटिंग शुरू। सुबह जब लोग सोकर उठे तो 100 तोरण द्वार तैयार थे। हवा के इशारे पर रंग बिरंगे गुब्बारे घूम रहे थे। इमारतों पर बिजली की लड़ियां टंगी थी और इन लड़ियों के लिए भी रात का इंतजार शुरू हो गया ताकि जुगनुओं की तरह ये चमक सके। ये तैयारी रात के लिए है, शुक्रवार की रात के लिए, क्योंकि आज की रात नेताजी जन्मदिन, माफ कीजिएगा, बर्थडे मनाएंगे। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव, सॉरी MS यादव। कभी होते होंगे अंग्रेजी और अंग्रेजियत के विरोधी, अब तो दिखावा पाखंड और बेशर्मी का समाजवाद है। बर्थडे का मौका हो तो इंग्लिश बग्घी की शाही सवारी बनती है, सो लंदन से मंगाई गई विक्टोरियाई बग्घी। यानी आज के सबसे बड़े कथित समाजवादी राजाओं की तरह निकलेंगे, किंग्स स्टाइल में होगा उनका सेलिब्रेशन। शुक्रवार की रात कटेगा केक, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि 75 किलो का। ये 22 नवंबर नेताजी का जन्मदिन समता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, प्रत्येक जनपद में मनाया जाएगा। चूंकि आधी रात को तारीख बदल जाती है इसलिए नेताजी 12 बजे रात को ही केक काटेंगे। यानी 21 नवंबर से शुरू जश्न 22 नवंबर के शुरू होते ही शबाब पर पहुंच जाएगा। भले ही सूबे का बड़ा हिस्सा गरीबी और भूख से लड़ने में समानता रखता हो, लेकिन करोड़ों खर्च कर मनाए जाने वाले इस जन्मदिन को सरकारी जामा भी पहनाया जाएगा। सूबे की सरकार नेताजी के जन्मदिन को समता दिवस के रूप में मनाएगी। अकलियत के नेता आजम खान साहब को कुंभ मेले के आयोजन का बेसुमार अनुभव है, सो समाजवादी नेता के बर्थडे का आयोजन का ठेका भी उन्होंने ही ले लिया। पूरा रामपुर पोस्टरों बैनरों से पट गया, लेकिन जब इस फिजूल खर्ची पर सवाल शुरू हुए तो उर्दू की नफासत पर तलखी का मुलम्मा चढ़ गया। तालिबानी पर, तालिबान से आया है कुछ, दाऊद ने दिया है कुछ, अबू सलेम ने दिया है कुछ, जो मर गए आतंकवादी थे। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को नेताजी के स्वागत में लगाया गया है। यूपी का डांस डाउन मार्केट है, सो यूपी के बच्चे भांगड़ा कर रहे हैं। इस ठंड में बच्चों को नेताजी की अवभगत के लिए अभ्यागतों से इजाजत ली गई है या नहीं, ये पूछने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। कॉलेज के बाहर LED TV लगाए गए हैं और मेहमानों के स्वागत के लिए कालीन बिछ गई है। नेताजी के बर्थडे के लिए होटल कम पड़ गए, 4 विशेष विमानों से मेहमान आ रहे हैं, 100 से भी ज्यादा। रामपुर में सूबे के 50 मंत्री भी हैं। मंत्रियों की आवाजाही के लिए गाड़ियों का काफिला तैयार है। सुरक्षा के लिए PAC की 8 कंपनियां, 1200 कांस्टेबल और 27 DSP खास तौर पर तैनात किए गए हैं। यानी रामपुर छावनी में तब्दील हो जाएगी, किसी को दिक्कत हो तो हो। यहाँ पे सारी रोड ब्लॉक है, हमसे कहा जाता है कि आप रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे, बट केवल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और नेताजी आ रहे हैं, उनके चक्कर में आपको रॉन्ग साइड चलने को कहा जा रहा है। कुछ लोगों को हर बात में मीन मेक निकालने की आदत होती है, इसलिए इनकी मत सुनिए। देखिए किस तरह मिस्टर MS यादव का मनाया जा रहा है बर्थडे। रात को आपके खाने का स्वाद खराब हो तो इसमें किसी का क्या कसूर, प्रेम से बोलिए हैप्पी बर्थडे सेक्युलर सोशलिस्ट मिस्टर MS यादव सर। रिपोर्ट IBN 7।
रामपुर में अपने जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की शाही बग्घी निकलने के लिए यहां पे तैयार थी और उसी दौरान हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। पल पल की जानकारी वहां से हमें दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के 76वें जन्मदिन पर रामपुर की सड़कों पर किस तरह से जश्न चल रहा है, पीछे तस्वीरों में देखिए, ये प्रशासनिक हमला आगे चल रहा है। घोड़े पर सवार ये तो पुलिस के जवान है, एक तरह से ये शाही सवारी पर सवार है इस वक्त मुलायम सिंह यादव, अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव और सबसे कद्दावर कैबिनेट के मंत्री आजम खान के साथ। पुष्प की वर्षा हो रही है, चारों तरफ से टोल प्लाजा बनाए गए इस पूरे रोड पर, 3 किलोमीटर लंबा रोड है और यही जो रामपुर की जनता है वो पैदल ही इस पूरे फासले को पूरा करेगी और घुड़सवार आगे निकल रहे हैं। इस वक्त मुलायम सिंह यादव जिस विक्टोरिया बग्घी पर बैठे हैं वो बग्घी पीछे है और इसी बग्घी पर मुलायम सिंह यादव बैठे हैं। थोड़े किनारे होकर के हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं क्योंकि प्रशासनिक अमला कतई तैयार नहीं है वहां तक हमको जाने देने के लिए। आजम खान को देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए, आजम खान यहां पर अपने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो कुल मिलाकर के ये जो शाही अंदाज है इस जन्मदिन का, राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी, नए समाजवाद का जो रूप रामपुर की सड़कों पर आपको देखने को मिल रहा है, ये अद्भुत नजारा है, बेमिसाल है और शायद समाजवादी पार्टी के इतिहास में अबके पहले इस तरह का नजारा किसी भी नेता के जन्मदिन पर देखने को किसी को नहीं मिला होगा। रामपुर से कैमरामैन राजेंद्र कुमार सिंह, IBN।